Hello everyone, I'm Gurleen from Simple Hals Pagwada. Today I'm here to give you the explanation of the leading graying population stays in the pink. Okay, let's move to the questions here. The first question category in this reading is summary completion. We have to choose the words from the following box to fill the summary from the passage. Okay, let's start from the first question. Here, the first question is research carried out by scientists in the United States. कि जो research है, जो US के जो scientist है, उनके द्वारा carry out की गई है, has shown that the proportion of people over 65 suffering from most common age related medical problems is dash and that the speed of this चेंज इज डैश के इस जो चेंज है इसकी जो स्पीड है उसके बारे में क्या बताया. अब देखिए इसमें अगर हम देखें इसमें उन्होंने क्या बताया कि जो 65 इयर्स के लोग हैं उनके 65 इयर्स से ऊपर के जो एज ग्रुप के लोग हैं वो बहुत सारी कॉमन एज रिलेटेड इलनेस से जो सफर कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स क्या है उनके बारे में हमने बताना है और ये जो चेंज है उसकी जो स्पीड है उसके बारे में बताना है. तो ये दो हमने चीजें बतानी है. अगर हम देखें जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो हमारे पास समरी कंप्लीशन होती है इसमें हमें आंसर्स सीधे सीधे नहीं दिए होते. ये नहीं होता कि हमें जो है हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आंसर दिए वो जरूरी नहीं होता. तो इसलिए हमने जो कीवर्ड्स है उन्हें ध्यान में रख के फिर आंसर को सॉल्व करना होता है. लेट्स मूव टू द लोकेशन. अगर हम देखें हमने कीवर्ड्स देख लिए हमारे पास कीवर्ड्स है यूनाइटेड स्टेट्स देन हमारे पास क्या है कि एल्डरली पीपल आर ग्रोइंग हेल्दियर. अगर हम देखें इस पैराग्राफ में उन्होंने हमारे पास अमेरिकन साइंटिस्ट के बारे में बताया है. ओवर 65 एज ग्रुप भी हमारा जो है कीवर्ड है उसके बारे में हमें कहाँ पे बताया ये भी हम देखेंगे. अगर हम देखें यहाँ पे उन्होंने ओवर 65 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. तो अगर हम देखें हमारा जो आंसर है इन दोनों पैराग्राफ्स में से किसी एक में होगा कि अगर हम देखें ओवर 65 की यहाँ पे उन्होंने बात की है तो हमारे पास यहाँ पे मेन बात की हो सकती है. रिसर्चर्स यहाँ पे मेंशन किया तो साइंटिस्ट तो ये सेम वर्ड हो गया. रिसर्चर्स नाउ एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ डेटा गैदर्ड इन 1994 से आर्थराइटिस हाई ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स द मेजर मेडिकल कंप्लेन्स इन दिस एज ग्रुप आर ट्रबलिंग अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ एवरी ईयर प्रोपोर्शन एवरी ईयर कि ये जो प्रॉब्लम्स है कौन कौन सी अर्थराइटिस हाई ब्लड प्रेशर और सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स जो मेजर मेडिकल कंप्लेन्स इस एज ग्रुप में लोग फेस करते हैं. इस एज ग्रुप में मीन्स कि जो ओवर 65 एज ग्रुप है इसमें लोग फेस करते हैं और वहां पे उन्होंने क्या वर्ड यूज किया था एज रिलेटेड कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पे उन्होंने मेडिकल कंप्लेन्स यूज किया है दैट इज कि हम सही जा रहे हैं हमारी लोकेशन के ऊपर आर ट्रबलिंग अ स्मॉलर प्रोपोर्शन वेरी एवरी ईयर कि हर एक साल बहुत कम लोगों को ये तंग करती हैं ये जो प्रॉब्लम्स हैं. एंड द डेटा कंफर्म्स दैट द रेट एट विच रेट मींस कि स्पीड जो हमने नेक्स्ट ब्लैंक जो हमारी थी उसे फाइंड करना है. तो अगर हम देखें हमें अभी तक फर्स्ट ब्लैंक का आंसर नहीं मिला लेकिन सेकंड का हम जो लोकेशन है उसके पास पहुंच चुके हैं. तो हमें जो आंसर पहले मिलता हम वो भी लगा सकते हैं हमारी जो कीवर्ड्स है उनको मैच करके. एंड द डेटा कन्फर्म्स दैट द रेट एट विच दीज डिजीजेस आर डिक्लाइनिंग कि जिस रेट के ऊपर ये जो डिजीजेस हैं वो कम हो रहे हैं कंटिन्यूस टू एक्सलरेट कि जो स्पीड जिस स्पीड के ऊपर जो डिजीजेस वो कम हो रहे हैं वो स्पीड इंक्रीज हो रही है. दैट इज कि उन्होंने क्या बताया कि जो डिजीजेस हैं या फिर जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो डिक्लाइन हो रही हैं और जो स्पीड है वो बढ़ रही है डिक्लाइनिंग की. तो अगर हम देखें हमें जो दोनों क्वेश्चंस है उनका आंसर हमें एक ही लाइन में मिल गया. अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो रही हैं डिक्लाइन हो रही है. अब डिक्लाइनिंग के साथ रिलेटेड हमारे पास वर्ड क्या है नेक्स्ट फॉलिंग. तो हमारा आंसर क्या होगा 14th क्वेश्चन का आंसर होगा फॉलिंग और नेक्स्ट जो स्पीड है स्पीड ऑफ रेट ऑफ दिस चेंज इज क्या हो रहा है वो एक्सलरेट हो रहा है. एक्सलरेट मीन्स इंक्रीज करना. अब इसके साथ रिलेटेड कौन सा वर्ड हमें दिया गया है अगर हम देखें हमें उन्होंने इंक्रीजिंग वर्ड मेंशन किया हुआ है तो हमारा आंसर आएगा आई दैट इज इंक्रीजिंग. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट आल्सो सीम्स दैट दीज डिजीजेस आर अफेक्टिंग पीपल डैश इन लाइफ देन दे डिड इन द पास्ट के ये इट आल्सो सीम्स के ये भी देखा जा सकता है कि ये जो डिजीजेस हैं ये लोगों को अफेक्ट करते हैं पीपल डैश इन लाइफ कि जैसे उनकी पास्ट में उन्हें अफेक्ट करते थे आजकल उनको लाइफ में कैसे अफेक्ट करते हैं या उसके बारे में हमने बताना है.
ये कैसे करते हैं या फिर कब करते हैं, क्यों करते हैं, इन चीजों के बारे में हमने प्रिडिक्ट करना है कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड या क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो हमने प्रिडिक्शन लगाई कि हमने इन तीन चीजों में से कुछ फाइंड करना होगा। अब इसमें हमारा कीवर्ड क्या होगा, लाइफ होगा, अफेक्टिंग पीपल आएगा, मेन और पास्ट आएगा, ये तीन हमारे कीवर्ड है। इनमें से अगर हमें कोई एक कीवर्ड भी मिल गया तो हमारा आंसर हमें मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर इन्हें इन्होंने हमें क्या बताया है। फर्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखें, डिजीजेस बताए हैं उन्होंने एसोसिएटेड विद द ओल्ड एज आर एफ्लिक्टिंग। एफ्लिक्टिंग मींस अफेक्टिंग फ्यूअर एंड फ्यूअर पीपल एंड व्हेन दे डू स्ट्राइक। लेकिन जब उन्हें जो डिजीज है वो अफेक्ट करता है, इट इज मच लेटर इन लाइफ। लेकिन लाइफ में आजकल बहुत लेटर इफेक्ट करते हैं, बहुत लेट इफेक्ट शो करता है। दैट इज हमारा आंसर क्या आएगा, लाइफ में कब इम्पेक्ट करता है, लेटर। तो लेटर के साथ मींस के बाद में, तो इसके साथ रिलेटेड वर्ड क्या होगा हमारी रीडिंग में। अगर हम देखें बॉक्स में हमें कौन से वर्ड्स इसके साथ रिलेटेड दिए हैं, हमें उन्होंने सीधा लेटर ही वर्ड मेंशन किया है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, एफ, दैट इज लेटर। ओके, अगर हम देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्लैंक, उन्होंने हमें क्या बताई है। नेक्स्ट इज दिस इज लार्जली ड्यू टू, कि ये किसकी वजह से, ड्यू टू डेवलपमेंट्स इन डैश बट अदर फैक्टर्स सच एज इम्प्रूव्ड डैश मे ऑल्सो बी प्लेइंग अ पार्ट। कहते हैं कि ये किसकी वजह से हो रहा है, कि किस चीज की वजह से, किस चीज में डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है, और अदर फैक्टर्स, और जो बाकी फैक्टर्स है लेकिन वो भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कुछ चीज इम्प्रूव हुई है, दैट इज डेवलपमेंट्स इम्प्रूव्ड एंड अदर फैक्टर्स हमारे मेन कीवर्ड होंगे। इनको हम करेंगे पैसेज में फाइंड, या फिर इनके सिनोनिम्स को फाइंड करेंगे कहाँ पर उन्होंने हमें मेंशन किया है। इस पैराग्राफ में तो हमने दोनों में रीड किया, हमें डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड कोई वर्ड नहीं मिला अभी तक। नेक्स्ट अगर पैराग्राफ देखें, इसमें उन्होंने हमें डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड नहीं बताया कोई वर्ड। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे उन्होंने मेडिकल एडवांसेस की बात की है, तो ये लाइन हो सकती है हमारी, क्लियरली सर्टेन डिजीजेस आर बीटिंग अ रिट्रीट इन द फेस ऑफ मेडिकल एडवांसेस, कि कुछ जो डिजीजेस हैं वो जो बीट कर रहे हैं, जो कम हो रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है, किसकी वजह से, मेडिकल एडवांसेस। एडवांसेस मीन्स डेवलपमेंट। अब किसमें डेवलपमेंट हो रही है, मेडिकल में, मेडिकल से के साथ रिलेटेड हमारे पास वर्ड क्या है वो हम फाइंड करेंगे। इसमें कॉस्ट, फॉलिंग टेक्नोलॉजी, अंडर नरिश्ड, लेटर, डिसेबल्ड, अगर हम देखें न्यूट्रिशन ने, लेकिन हमें यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया है मेडिसिन, तो यही हमारा आंसर हो सकता है, कि उन्होंने कि इसमें डेवलपमेंट की बात की थी, मेडिकल एडवांसेस। अब डेवलपमेंट किसकी में हुई है, इन मेडिसिन, और बट अदर फैक्टर्स, बट जो दूसरे और फैक्टर्स जो हैं, जैसे कि इम्प्रूव्ड क्या, जो कि ऑल्सो एक पार्ट प्ले कर रहा है, तो ये हमने अभी फाइंड करना है नेक्स्ट हमारे पास। बट देयर आर मेनी अदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, यही हमें नेक्स्ट लाइन से मिल गया, कि बाकी जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, बट बाकी जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। इम्प्रूवमेंट्स इन चाइल्डहुड न्यूट्रिशन, किसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, इम्प्रूवमेंट उन्होंने बताया था, इम्प्रूव्ड क्या, चाइल्डहुड न्यूट्रिशन। अब इसके साथ रिलेटेड हमारे पास क्या वर्ड है, बताया है न्यूट्रिशन मीन्स खान पान। ओके, अगर हम देखें कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, अंडर नरेज, लेटर, डिसेबल्ड, मोर, इंक्रीजिंग न्यूट्रिशन, ये हमने सीधा सीधा उन्होंने वर्ड मेंशन किया, तो आंसर हमारा क्या आएगा, जे, दैट इज न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, इंक्रीजेस इन सम अदर इलनेसेस, कुछ और जो इलनेसेस हैं उनमें जो इंक्रीज है, मे बी ड्यू टू चेंजेस इन, किसमें चेंजेस है, पर्सनल हैबिट्स एंड टू डैश, के किसमें चेंज की वजह से, कुछ और जो इलनेसेस हैं वो पर्सनल हैबिट्स में चेंजेस की वजह से हो रही हैं, और एक चीज और है जिसकी वजह से हो रही है। ओके, अगर हम देखें हमारे पास मेन कीवर्ड है सम अदर इलनेसेस एंड चेंज इन पर्सनल हैबिट्स एंड डैश हमने फाइंड करना है। कि अगर हम देखें हमारे पास इस पैराग्राफ में उन्होंने किसी और हमारे पास डिजीज के बारे में नहीं बताया। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम मूव करें वहां पे, यहाँ पे हमें सम इलनेसेस के बारे में पता लगता है, सर्जेस इन कॉज्ड, सर्जेस इन सम इलनेसेस, सर्ज मीन्स इंक्रीज होना, किसमें हुआ, एन इंक्रीज इन सम कैंसर्स एंड ब्रॉन्चिटीज में रिफ्लेक्ट द चेंजिंग स्मोकिंग हैबिट्स। अब वहां पे उन्होंने पर्सनल हैबिट्स कहा था, यहाँ पे उन्होंने चेंजिंग स्मोकिंग हैबिट्स कह दिया, कि जो चेंजिंग स्मोकिंग हैबिट्स हैं उनकी वजह से
ये जो डिजीजेस हैं जैसे कि कैंसर और ब्रोंचिटीज, ये इंक्रीज हो रहे हैं एंड पुअर एयर क्वालिटी. और किसकी वजह से? पुअर एयर क्वालिटी की वजह से, से द रिसर्चर्स, दिस मे बी सबल इन्फ्लुएंस के पुअर एयर क्वालिटी. एक तो है कि स्मोकिंग हैबिट्स चेंज हो रही है, दूसरा किसकी वजह से हो रहा है? पुअर एयर क्वालिटी की वजह से. अब इसके साथ रिलेटेड हमारे पास कौन सा वर्ड उन्होंने दिया? कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, अंडरनरिश्ड, लेटर डिसेबल्ड, मोर इंक्रीजिंग एजुकेशन, कॉन्स्टेंट पॉल्यूशन. किसकी वजह से हो रहा है? पॉल्यूशन की वजह से. तो अगर हम देखें यहाँ पे इन्वायरमेंटल वर्ड भी दिया, लेकिन अगर हम इसे यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है, पूरा नहीं होता. इसके बाद उन्होंने कुछ और वर्ड मेंशन करना चाहिए था अगर हमारा आंसर इन्वायरमेंटल होना था, तो हमारे पास नहीं है. और किसकी वजह से हो रहा है? पर्सनल हैबिट्स की वजह से चेंज में, और किसके साथ, किसकी वजह से हो रहा है? पॉल्यूशन की वजह से. इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? पॉल्यूशन, दैट इज एन. नेक्स्ट इज द रिसर्च एस्टैब्लिशेस के, जो रिसर्च है वो क्या करिए? लिंक एस्टैब्लिश करिए किसमें? लेवल्स ऑफ डैश एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी के, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में और किसी और चीज में एक लिंक क्रिएट कर रही है, एस्टैब्लिश कर रही है रिसर्च. अब हमारे पास मेन कीवर्ड है लिंक एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और हमने फाइंड करना है लेवल्स ऑफ व्हाट, कि किसके लेवल्स में इंक्रीज हो रहा है. कि अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया इंटरेस्टिंग कोरिलेशन. कोरिलेशन मींस के जो लिंक है, कोरिलेशन का मतलब होता है किसी दो वेरिएबल्स में लिंक होना. अब उन्होंने हमें लिंक वर्ड दिया था, यहाँ पे उन्होंने पैराफ्रेज इसके या फिर सिनोनिम यूज किया है कोरिलेशन. तो अगर हम यहाँ से रीड करेंगे, वन इंटरेस्टिंग कोरिलेशन मेंटन अनकवर्ड इज दैट बेटर एजुकेटेड पीपल आर लाइकली टू लिव लॉन्गर. Likely to live longer means कि life expectancy जो है उसके बारे में उन्होंने बताया है, कि जो किस में उन्होंने link establish किया, एक तो better educated people जो है वो ज्यादा लंबे time तक जीते हैं life expectancy में, और better educated people में उन्होंने link बताया है. तो इसके education या फिर better educated के साथ जो related word उन्होंने क्या बताया है, अगर हम देखें, उन्होंने हमें बताया है education. इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? K, that is कि किसमें, किसके levels में लिंक उसने, उन्होंने एस्टैब्लिश किया है बिटवीन द लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट आल्सो शोज दैट, इसमें उन्होंने क्या शो किया और भी, दैट कंसीडरेबल रिडक्शन. कंसीडरेबल रिडक्शन मींस कि एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन शो किया है इसमें, इन द नंबर ऑफ एल्डरली पीपल, उन एल्डरली लोगों के नंबर में जो के क्या है, कि उनकी करेक्टरिस्टिक बताई होगी कि जो लोग क्या है एल्डरली पीपल, उनमें उनके नंबर में जो है डिक्लाइन शो किया है, विच मीन्स दैट डैश. उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट ब्लैंक के बारे में बात की है. अगर हम देखें इसके बारे में हमें कहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, इसके बारे में उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन बताई है इस पैराग्राफ में, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया. नेक्स्ट अगर पैराग्राफ में हम देखें, यहाँ पे सिग्निफिकेंट ड्रॉप की बात की गई. सिग्निफिकेंट ड्रॉप मींस सिग्निफिकेंट या फिर कंसीडरेबल रिडक्शन इन नंबर ऑफ, किसमें, दैट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द नंबर ऑफ डिसेबल्ड ओल्ड पीपल इन द पॉपुलेशन. डिसेबल्ड ओल्ड पीपल, अब उन्होंने ओल्ड पीपल की जगह एल्डरली पीपल यूज कर दिया, और जो कि क्या है, डिसेबल्ड है. इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? डिसेबल्ड. अब डिसेबल्ड के साथ रिलेटेड वर्ड कौन सा है हमारी समरी में, अगर हम देखें यहाँ पे उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया, आंसर इज डिसेबल्ड. इसलिए आंसर क्या आएगा? जी, दैट इज के वो एल्डरली पीपल जो के डिसेबल्ड है, उनके नंबर में रिड्यूस शो किया, विच मीन्स दैट, जिसका क्या मतलब है, दैट द डैश इन्वॉल्व, के क्या चीज इन्वॉल्व है इन सपोर्टिंग दिस सेक्शन, के इस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो ये डिसेबल्ड लोग हैं, इन्हें सपोर्ट करने में कोई चीज इन्वॉल्व है, वो लेस होगी, लेस हो सकती है जितनी की प्रीवियसली प्रेडिक्ट की गई थी. जैसे कि जितना के पहले एस्टिमेट किया गया था, उसके कंपैरेटिवली वो चीज जो सपोर्ट की कर रही थी वो कम होगी. अब इसको हमने फाइंड करना है. इसमें हमारे पास मेन कीवर्ड क्या है, कि जो पहले सपोर्ट कर रहे थे वो, और अगर हम देखें ये हमारे पास एक लाइन कनेक्टेड है, तो ये एक इसके साथ ही आंसर हो सकता है इसका. कैलकुलेटेड वुड बी एन एडिशनल 1 मिलियन डिसेबल्ड एल्डरली पीपल इन टूडेज पॉपुलेशन. According to Menten, showing trends have saved the United States government Medicare system more than 200 billion, suggesting that the growing America's population may prove less. यहाँ पे हमें हमारा less word मिल गया, financial burden than expected. Expected means predicted. अब हम यहाँ से अच्छे से read करेंगे वो क्या कहते हैं. If the trends apparent in the United States 14 years ago had continued, कहते कि अगर 14 साल पहले की बात करें, अगर वही वाला trend चलता रहता, तो जो researchers है वो क्या उन्होंने कैलकुलेट किया, तो
कि अमेरिका में 1 मिलियन और जो डिसेबल्ड लोग हैं वो जो है इंक्रीज हो जाने थे, दैट इज अकॉर्डिंग टू मेंटन। और इस ट्रेंड के बाद जो मेंटन है उन्होंने, उनके अकॉर्डिंग ये जो ट्रेंड स्लो हुआ है उसने यूनाइटेड स्टेट जो का जो मेडिकल सिस्टम है गवर्नमेंट का उसके 200 बिलियन डॉलर्स बचा दिए, सजेस्टिंग दैट, जिसमें ये सजेस्ट किया कि जो ग्रेइंग पॉपुलेशन है अमेरिका की वो उनका जो फाइनेंशियल बर्डन है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे कम है। दैट इज उन्होंने भी तो ये बताया कि कोई चीज उन्हें सपोर्ट कर रही थी, वो कौन सी चीज थी जो उन्हें सपोर्ट कर रही थी, वो सपोर्ट कर रही थी उन्हें उन्हें फाइनेंस से सपोर्ट कर रहा था, वो क्या होगा कम होगा, दैट द डैश इन्वॉल्व इन, क्या इन्वॉल्व था उन्हें सपोर्ट करने में, फाइनेंस। अब वो फाइनेंस के साथ रिलेटेड हमारे पास कौन सा वर्ड आएगा आंसर, फर्स्ट है हमारे पास ए ऑप्शन, दैट इज कॉस्ट, इसलिए हमारा आंसर रहेगा ए। आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन। सो नेक्स्ट आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके हियर द नेक्स्ट क्वेश्चंस कैटेगरी इज कंप्लीट दी सेंटेंस एंडिंग्स, के हमने क्या करना है, करेक्ट एंडिंग्स चूज करनी है। अब इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें उसमें उन्होंने बताया होम मेडिकल एड्स के बारे में, तो अगर हम देखें होम मेडिकल एड्स के बारे में हमें किस पैराग्राफ में बताया, अगर हम देखें होम मेडिकल एड्स के बारे में जितना हमने पैराग्राफ रीड किया वहां तक हमें होम मेडिकल एड्स के बारे में नहीं बताया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखें यहाँ पे हमें होम मेडिकल एड्स के बारे में पता चलता है तो इससे हम रीड करना स्टार्ट करेंगे। द इंक्रीजिंग सेल्फ रिलायंस ऑफ मेनी एल्डरली पीपल इज प्रोबेबली लिंक्ड टू मैसिव इंक्रीज इन यूज ऑफ सिंपल होम रेमेडियल एड्स, फॉर इंस्टेंस द यूज ऑफ रेज्ड टॉयलेट सीट्स हैज मोर देन डबल्ड सिंस द स्टार्ट ऑफ द स्टडी एंड द यूज ऑफ बाथ सीट्स हैज ग्रोन बाय मोर देन 50%। वो क्या कह रहे हैं कि जो इंक्रीज हुआ है होम मेडिकल एज में वो किसके साथ रिलेटेड है, कि जो लोग एल्डरली पीपल सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट है, उनकी इंक्रीज होने के साथ उनकी जो होम रेमेडियल एड्स हैं वो भी इंक्रीज हो गई। जैसे उन्होंने एग्जांपल बताई है कि वो टॉयलेट सीट्स जो है वो डबल्ड हो गई है सिंस द स्टार्ट ऑफ द स्टडी एंड बाथ सीट्स यूज करना शुरू हो गए हैं जो कि 50% से ज्यादा ग्रो हो चुकी है जिनकी परसेंटेज। दीज डेवलपमेंट्स, ये जो डेवलपमेंट्स हैं also bring some health benefits. इससे बहुत सारे health benefits भी आते हैं according to a report from MacArthur Foundation's research group on successful aging. इसके जो research है उसमें उन्होंने ये पाया कि इसके health benefits में the group found that those elderly people who are able to retain a sense of independence, के इस research में उन्होंने क्या पाया कि वो एल्डरली पीपल जो कि अपनी इंडिपेंडेंस को रिटेन करके रखते हैं, कि जो कि मेंटेन करके रखते हैं, वो मोर लाइकली टू स्टे हेल्दी इन ओल्ड एज, कि वो ओल्ड एज में ज्यादा हेल्दी रह सकेंगे, कि वो ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं। अगर हम देखें हमारे पास ऑप्शंस क्या है कि होम रेमेडियल एड्स हार्ट डिजीज कॉज करती है, इसकी उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया तो ये ऑप्शन नहीं होगी। कैन बी हेल्प बाय हार्मोन ट्रीटमेंट, हार्मोन ट्रीटमेंट की उन्होंने कोई बात नहीं की। मे कॉज राइज इन लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स की कोई बात नहीं की। हैव कॉस्ट यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट मोर देन 200 बिलियन डॉलर, इसकी भी कॉस्ट की कोई बात नहीं की। मे हेल्प प्रिवेंट मेंटल डिक्लाइन की कोई बात नहीं की। मे गेट स्ट्रॉन्गर एट नाइट, इसकी भी बात नहीं की। अलाउ ओल्ड पीपल टू बी मोर इंडिपेंडेंट, इसकी उन्होंने जरूर बात की थी कि वो ज्यादा सेल्फ रिलायंट होंगे। तो हमारे ऑप्शन क्या आएगी, जी, दैट इज आंसर इज जी। नेक्स्ट इज रेगुलर अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज, के जो एक्सरसाइज अगर हम रेगुलर जो है परफॉर्म करेंगे उससे क्या होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, इस पैराग्राफ में तो कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखें यहाँ पे उन्होंने बताया मेंटेनिंग अ लेवल ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी, डेली फिजिकल एक्टिविटी मींस रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। अब उसमें उन्होंने क्या बताया, मेंटेनिंग अ लेवल ऑफ डेली फिजिकल एक्टिविटी में हेल्प मेंटल फंक्शनिंग, इससे मेंटल फंक्शनिंग में हेल्प होगी, से कार्ल कॉटमैन कहते हैं जो कि न्यूरो साइंटिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट इरवाइन। He found that the reds that exercise on a treadmill have raised levels of brain-derived neurotrophic factor coursing through their brains. कि उन्होंने एक रिसर्च में क्या पाया कि जो जो रैट्स ट्रेडमिल के ऊपर रोज एक्सरसाइज करते हैं उनका जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। कॉटमैन बिलीव्स दिस हार्मोन, कॉटमैन के अकॉर्डिंग ये जो हार्मोन है Which keeps neurons functioning, जो कि न्यूरॉन्स को फंक्शनिंग को चलाए रखता है, may prevent the brains of active humans from deteriorating. कि जो active humans है, active humans means कि जो कि daily physical activity करेंगे उन humans के जो ब्रेन है उन्हें डिटीरियोरेट हो, उन्हें खराब होने से बचा सकते हैं। तो अगर हम देखें हमारी ऑप्शंस जो हैं उसमें उन्होंने क्या मेंशन करा है, उनमें
हार्ट डिजीज कॉज करेगा ये हमारे पास नहीं आएगा, हार्मोन ट्रीटमेंट से हेल्प हो सकती है इसके बारे में भी नहीं बताया, स्ट्रेस हार्मोन का लेवल राइज होगा ये तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, कॉस्ट की कोई बात नहीं की, मे प्रिवेंट मेंटल डिक्लाइन, उन्होंने यही बताया कि माइंड को डिटीरियोरेट होने से प्रिवेंट करेगा, मेंटल डिक्लाइन मेंटल जो डिटीरियोरेशन है उसे प्रिवेंट करेगा, यही तो उन्होंने बताया, तो आंसर इज ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीलिंग ऑफ कंट्रोल ओवर लाइफ, कि जो लाइफ है उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की जो फीलिंग्स है उसके बारे में अगर हम देखें, इसके बारे में हमें किस पैराग्राफ में बताया है, फर्स्ट अगर हम रीड करें तो फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे हमने जितना भी पढ़ा यहाँ पे हमें कंट्रोल ऑफ लाइफ के बारे में तो नहीं पता लगा, यहाँ पे चेंजिंग हैबिट्स के था लेकिन कंट्रोल ऑफ लाइफ तो नहीं बताया। तो नेक्स्ट अगर हम देखें इन दो पैराग्राफ्स में जो हमने रिसेंट रीड किए इसमें तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, नेक्स्ट अगर पैराग्राफ देखें यहाँ पे उन्होंने कंट्रोल ऑफ लाइफ के बारे में बताया, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स मिलता है हमें वर्ड, तो हम इस लाइन से अगर इस लाइन से रीड करना स्टार्ट करें, इन दी लेबोरेटरी सिमुलेशंस ऑफ चैलेंजिंग एक्टिविटीज सच एज ड्राइविंग दोज हु फेल्ड इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स पम्प्ड आउट लोअर लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स सच एज कॉर्टिसोल, क्रॉनिकली हाई लेवल्स ऑफ दीज हार्मोन्स हैव बीन लिंक्ड टू हार्ट डिजीज। वो क्या कहते हैं कि जो लेबोरेटरी है उसमें एक रिसर्च थी जिसमें क्या पाया गया कि जो चैलेंजिंग एक्टिविटीज, चैलेंजिंग मीन्स की जो डिफिकल्ट एक्टिविटीज हैं जैसे कि ड्राइविंग है, वो उन लोगों के लिए जो कि अपनी लाइफ में कंट्रोल चाहते हैं, उनको जब वो ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तो उनके जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं वो कम रिलीज होते हैं, लेकिन दूसरी साइड अगर हम देखें अगर उनमें हाई लेवल्स ऑफ हॉर्मोन्स जो है रिलीज हो गए तो उससे हार्ट डिजीज हो सकता है, लेकिन अगर वो चैलेंजिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं तब वो उनमें जो है स्ट्रेस हॉर्मोन कम प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम देखें हमारे पास ऑप्शंस क्या है, उन्होंने हमें बताया कॉज हार्ट डिजीज, उन्होंने कहा था कि अगर ज्यादा होगा तो, लेकिन ये हाफ इंफॉर्मेशन है तो ये ऑप्शन नहीं होगी, हेल्प्ड बाय हार्मोन ट्रीटमेंट ये भी उन्होंने नहीं बताया, मे कॉज राइज इन लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन ये भी नहीं बताया, उन्होंने तो बताया कि स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, मे गेट स्ट्रॉन्गर एट नाइट इसकी भी बात नहीं की, नेक्स्ट अगर देखें कैन रिड्यूस स्ट्रेस इन डिफिकल्ट सिचुएशंस के जो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं उनमें स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकता है, यही तो उन्होंने बताया कि जब वो कंट्रोल चाहते हैं जब वो चैलेंजिंग एक्टिविटीज करते हैं तब उनमें स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कम रिलीज होता है, दैट इज डिफिकल्ट सिचुएशंस में उनका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है, तो आंसर हमारे पास आएगा एच। नेक्स्ट इज फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, कि लोनलीनेस की जो फीलिंग्स हैं कि आइसोलेटेड रहने की जो फीलिंग्स हैं यहाँ पर जो अकेलापन है उसकी फीलिंग्स, इसके बारे में हमें किस पैराग्राफ में बताया, लास्ट जो पेज है उसमें हमने जितने पैराग्राफ्स रीड किए उसमें उन्होंने हमें यहाँ पे इन पैराग्राफ्स में कहीं पे नहीं बताया। नेक्स्ट अगर हम रीड करें इंडिपेंडेंस हैव मेनी ड्रॉबैक्स, इंडिपेंडेंस मीन्स अकेला रहना है, ये भी हम इससे रिलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इमोशनली आइसोलेटेड वर्ड मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि हम बिल्कुल सही लोकेशन पे हैं, बट इंडिपेंडेंस कैन हैव ड्रॉबैक्स, लेकिन जो अगर इंडिपेंडेंट रहेंगे तो उसके भी बहुत ड्रॉबैक्स है, सीमेन फाउंड दैट एल्डरली पीपल हु फेल्ट इमोशनली आइसोलेटेड, जो कि इमोशनली आइसोलेटेड फील करते हैं मेंटेन्ड हायर लेवल्स ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, कि जब वो जागते हैं जब वो सोते हैं तब उनमें जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं उनका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, कि सोने के टाइम भी उनमें जो स्ट्रेस हॉर्मोन है वो बहुत ज्यादा होता है। द रिसर्च सजेस्ट दैट ओल्डर पीपल फेयर बेस्ट व्हेन दे फील इंडिपेंडेंट बट नो दे कैन हेल्प दे कैन गेट हेल्प व्हेन दे नीड इट, कहते कि वो बहुत जो है इंडिपेंडेंट लोग जो है वो बहुत अलग फील करते हैं जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दैट इज के लेकिन उन्हें पता होता है कि जब उन्हें हेल्प की जरूरत है तब उन्हें मिल जाएगी, लेकिन जब वो स्लीप जब वो सोते हैं तब भी उनमें जो स्ट्रेस हार्मोन है उनका लेवल जो है वो बहुत हाई होता है। तो अगर हम देखें हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी बची हैं, मे कॉज हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है ये भी उन्होंने नहीं बताया, हेल्प बाय हार्मोन ट्रीटमेंट ये भी नहीं बताया, उन्होंने क्या बताया मे कॉज राइज इन लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, कि जब वो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल में राइज होता है, तो यही तो उन्होंने हमें बताया था कि जब वो सोते हैं तब भी उनमें स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर हम बाकी की जो बची ऑप्शंस हैं उनको देखें कि हमें जो है कॉस्ट की बात उन्होंने नहीं की, रात को उनकी लोनलीनेस की फीलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है ये उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने ये बताया कि उनके स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा सी। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर, दिस पैसेज इज क्लियर टू एवरीवन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट आवर वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।